तो हमने केमिकल काइनेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं कवर कर चुके हैं लाइक रेट ऑफ रिएक्शंस है लाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वेलोसिटी कांस्टेंट है, है ठीक है एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेशन कैसे लिख रहे हैं ये सब हमने डिस्कस किया है ठीक है तो आ, आज मैंने जो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उन टॉपिक पे बेस्ड जो है कुछ यानी कि क्वेश्चन लाए हैं और अगर आप इन क्वेश्चन को देखेंगे और अगर आपको ये ईजी से सॉल्व होता है तो बहुत आ, आपको टॉपिक जो है अच्छे से समझ आया है ठीक है तो आ, अगर नहीं भी आया है तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो और भी आ, अच्छे से आपको टॉपिक जो है समझ में आएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर पहला जो है फॉर द रिएक्शन ए प्लस थ्री बी यूस टू सी ठीक है ये एक रिएक्शन दिया है हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया है और यहाँ पे आपको रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ बी ठीक है आपको लिखना है कंपेयर टू द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी के कंपेरिजन में बी की रेट ऑफ डिसअपेयरेंस क्या होगी तो यहाँ पर इधर देखो इस रिएक्शन के लिए अगर आप रेट लिखेंगे ठीक है रेट ऑफ़ डिसअपेयरेंस ऑफ बी तो यहाँ पे रेट इज़ इक्वल टू इन टर्म ऑफ डिसअेपेयरेंस ऑफ बी तो वो हो जाएंगे यहाँ पर रेट इसल टू रेड एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशेंस हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर वन ओअर क्या लिखेंगे थ्री तो यहाँ पर चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ बी ओअर टाइम तो ये रिएक्टन है तो रिएक्टन के साथ हम यहाँ पर नगेटिव साइन लिख देते हैं और ये बराबर हो जाएंगे रेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी तो यहाँ पे वन ओवर टू लिखेंगे और यहाँ पे डी सी क्या लिखेंगे डी टी तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ये हो गया रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ बी और ये हो गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी तो यहाँ पे अगर आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सॉरी रेट ऑफ डिस ऑफ बी फाइंड आउट करने हैं तो कैसे लिखते हैं रेट ऑफ डिसअेपेयरेंस ऑफ बी दैट इज डी बी ओअर डी टी नेगेटिव साइन और ये थ्री जहाँ पे लिखा है जो जोमेट्रिक को उसको इससे ट्रांसपोज कर दो तो ये बराबर हो जाएंगे थ्री ओवर टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी ठीक है तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ डिस ऑफ बी जो है वो थ्री ओवर टू रेट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर है तो ऑप्शन नंबर बी को देखो यहाँ पे रेट ऑफ डिस ऑफ बी इज थ्री बाई टू द रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ सी और यही यहाँ पे सोल्यूशन हमको मिला तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर सेकंड को खुद से ट्राई करो वीडियो को पास करो और खुद से ट्राई करो ठीक है तो चलिए देखते हैं फॉर द रिएक्शन एक रिएक्शन है टू ए प्लस थ्री बीज फोर सी प्लस फाइव डी आपको क्या लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इनटारम ऑफ डेल्टा ए मीन रिएक्टेंट की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे यहाँ रिएक्शन इक्वल टू तो ये रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन लिख दो और यहाँ पे स्ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशंट से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो टू है तो वन ओवर तो क्या लिखेंगे टू और यहाँ पे डेल्टा ए का मतलब है चेंज इन कंसनट्रेशन और यहाँ पे डेल्टा क्या लिखेंगे टी तो ये जो है से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टू में ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यही है माइनस टू वेल एल्टी तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है करेक्ट सॉल्यूशंस है ठीक है इस तरीके से हम रेड एक्सप्रेशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखो फॉर द रिएक्शन एक रिएक्शन लिखा है टू ए प्लस थ्री बी फोर सी प्लस फाइव डी रेड ऑफ रिएक्शन आपको बी के टर्म में लिखना है तो जैसे यहाँ पे ए के में लिखा है यहाँ पे बी के टारम में आपको लिखना है तो वीडियो को पास करके आप खुद से कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं ठीक है के टारम में कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू बी के टारम में हमारा यहाँ पे बी जो है वो रिएक्टेंट है, है तो वन ओवर क्या लिखेंगे थ्री और यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा बी और क्या लिखेंगे डेल्टा टी बस यही ढूंढो यहाँ पे ये यह ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है ठीक है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी माइनस वन बाई थ्री ठीक है डेल्टा बी और डेल्टा टी तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास क्या है करेक्ट सोल्यूशन है ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखो एक रिएक्शन है हाइपोथेटिकल रिएक्शन टू ए प्लस थ्री बी फोर सी प्लस फाइव डी दे रहा है रेड ऑफ रिएक्शन इन ऑफ सी के टर्म में आपको रेड ऑफ रिएक्शन लिखना है इस बार ठीक है ढूंढो यहाँ पे चार पांच ऑप्शन दिए हैं इन पांच ऑप्शन में से सी के टर्म में कौन सा रेड ऑफ रिएक्शन जो है सही है तो वीडियो को पास करके खुद से ट्राई करो ठीक तो चलिए लिखते हैं सी के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट इज इक्वल टू सी हमारा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के साथ हमेशा पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे डेल सी ओअर क्या लिखेंगे डेल्टा

इन द कम्बशन ऑफ मीथेन मीथेन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर बन रहे हैं और यहाँ पे आपको देखना है विच रिएक्टेंट हैज़ द ग्रेटर ग्रेटस्ट रेट ऑफ डिसअपियरेंस इन दोनों रिएक्टेंट में से मीथेन और ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट है इन दोनों रिएक्टेंट में से किसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है ज़्यादा होगा तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम मीथेन की रेट ऑफ डिस अगर आप लिखेंगे ठीक है रेट ऑफ सबसे पहले तो रेट रेट कैसे लिखते हैं पूरे रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी एच फोर ठीक है ओवर क्या लिखेंगे डी टी अब यहाँ पे माइनस साइन इक्वल टू अब यहाँ पे वन ओवर टू ऑक्सीजन के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओर टू ठीक है ओवर डी टी इस तरीके से प्रोडक्ट का लिखना है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी ओ टू ठीक है ओवर क्या लिखेंगे डी टी इस तरीके से वन ओवर टू चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एच टू ओ और ओवर क्या लिखेंगे डी टी ये हो गया रेड एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन नाउ हमें क्या देखना है रिएक्टन में देखना है रिएक्टन में से किसका रेट ऑफ डिस ज्यादा होगा अगर आप सी एच फोर की रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखेंगे तो देखो रेट ऑफ डिस ऑफ सी एच फोर ठीक है रेट ऑफ डिस ऑफ सी एच फोर इज इक्वल टू ठीक है ये बराबर हो जाएंगे दैट uh, क्या लिखेंगे डी टी और ये बराबर है कि किसके वन ओवर टी तो यहां पे लिखो वन ओवर टू ठीक है रेट ऑफ डिस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो यहां पे ऑक्सीजन्स uh, की हाफ यानी कि से फॉर एग्जांपल रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बराबर है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी एच फोर अगर आप रेट ऑफ डिस ऑफ ओ टू लिखेंगे यहाँ से ठीक है तो देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ओ टू ठीक है ओ टू डी टी तो यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे वन बाई टू है देखो ये वन बाई टू और टू जो है इस साइड जो है मल्टीप्लाई के लिए लेना है तो यहाँ पे हो जाएंगे टू इन टू ठीक है टू इन टू यहाँ पे मैं माइनस साइन रख देता हूँ डी सी एच फोर डी सी एच फोर ऊवर क्या लिखेंगे डी टी

यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है एक साइंटिस्ट है एक साइंटिस्ट है जो कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है और इस रिएक्शन के लिए रेट जो है फॉर एग्जांपल डिटरमाइन कर रहा है तो देखो इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एन टू एन टू की इनिशियल कंसंट्रेशन पहले तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है ठीक है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ठीक और यहाँ पे ये यह दे रहा है टू आइस एन ओ ठीक तो देखो यहाँ पर क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मींस टाइम्स टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है जीरो पॉइंट फाइव जीरो है ठीक है जीरो जीरो ठीक है मोलर इसकी कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन की तो एट टाइम्स टी इक्वल टू टी इक्वल टू देखो यहाँ पर टाइम्स टी इक्वल टू ठीक है आफ्टर जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो सेकेंड नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर कितना बचता है जीरो पॉइंट फोर फाइव जीरो मोलर तो यहाँ पे टाइम जो है हम लिखेंगे टाइम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जीरो पॉइंट फोर फाइव जीरो मोलर रहता है ठीक व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन रेट जो है नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आपको लिखना है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो दैट इज द डेल्टा एन टू ठीक है और यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल्टा टी ठीक और यहाँ पे माइनस साइन अब यहाँ पे ये जो डेल्टा एन टू का मतलब है फाइनल कंसनट्रेशन मीन्स एन टू की फाइनल कंसनट्रेशन माइनस एन टू की क्या लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं डेल्टा डेल्टा टी का मतलब होता है टी टू माइनस टी वन ठीक टी टू माइनस क्या लिखते हैं टी वन तो यहां पे इनिशियल कंसेंट्रेशन देखो आप सॉरी फाइनल ट्रेशन कितना बचा है जीरो पॉइंट फोर फाइव जीरो तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फोर फाइव जीरो माइनस आपको क्या लिखना है देखो यहाँ पर इनिशियल कंसनट्रेशन जीरो पॉइंट फाइव जीरो मीन जीरो पॉइंट फाइव जीरो जीरो मोलर है डिवाइडेड बाय टाइम जो देखो टी टू कितना है टी टू जो है जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो सेकेंड है और माइनस जीरो कर देंगे तो यही बचेगा जीरो पॉइंट वन जीरो सॉल्व करना है सॉल्व करेंगे ठीक है तो यहाँ पे आपको आएंगे माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव आएंगे ठीक है यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लिखना है साथ में ठीक है और डिवाइडेड बाय क्या आएंगे जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो सेकेंड आएंगे और यहाँ पे होल जो है क्या है नेगेटिव चार्ज से इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आ जाएंगे बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस तो देखो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव ठीक है डिवाइडेड बाय क्या है ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो ज़ीरो तो ये हो जाता है बेटा आपके पास ज़ीरो पॉइंट फाइव मोलर पर सेकंड ठीक है दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन तो देखो कौन सा ऑप्शन में है ये जीरो पॉइंट फाइव तो देखो ऑप्शन नंबर ए में जीरो जीरो पॉइंट फाइव जीरो मोलर पर सेकंड है तो ऑप्शन नंबर ए क्या है सही आंसर है ठीक है इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम अब आगे बढ़ते हैं देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया इफ द रेट ऑफ अपियरेंस रेट ऑफ अपियरेंस जो है ऑक्सीजन की रिएक्शन में ठीक है जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो मोलर पर सेकंड है उर द फर्स्ट फाइव पॉइंट फिफ्टी सेकेंड में ऑक्सीजन की ठीक है इसी टाइम में ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन कि, की कितना अमाउंट जो है फॉर्म होगा ठीक है कितना मोलर जो है ऑक्सीजन फॉर्म होगा फिर से एक बार देखो रेट ऑफ अपेयरेंस ऑक्सीजन की दिया है मोलर पर सेकेंड के हिसाब से यानी कि ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है फर्स्ट यानी कि फाइव पॉइंट फिफ्टी सेकेंड में तो इसी दौरान जो है ऑक्सीजन का कितना क्वांटिटी जो है बनेगा कितना कंसंट्रेशन होगी तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से कर सकते हैं बहुत इजी है ठीक तो चलिए देखते हैं देखो ठीक है सॉल्यूशंस कैसे करेंगे इसके लिए सॉल्यूशंस जो है सॉल्यूशन सबसे पहले तो यहाँ पे इधर देखो पर मोलर पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में एक सेकंड में ऑक्सीजन की फॉर्मेशन जो है कितना हो रहा है जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो मोलर ठीक अब यहाँ पे इधर देखो 5.50 पॉइंट सेकेंड पे कितना ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन फॉर्म होगा तो यहाँ पे 5.50 पॉइंट सेकेंड पे फाइंड आउट करने हैं इन टू क्या लिखेंगे यहाँ पे वन सेकेंड नीचे जाएगा और यहाँ पे सेकंड से सेकेंड कैंसिल और ऊपर क्या रहेंगे 0.250 पॉइंट मोलर ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ठीक फाइव पॉइंट फाइव जीरो को मल्टीप्लाई करने हैं कितने से जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो से तो ये आ जाएंगे आपके पास वन पॉइंट थ्री सेवन फाइव विच वो इस इक्वल टू वन पॉइंट थ्री एट ठीक है तो यहाँ पर इधर देखो ये वाला ऑप्शन नंबर ए में वन पॉइंट थ्री एट मोलर यहाँ पे लिखा है तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है करेक्ट सोलूशन है बहुत इजी है बेटा बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए ठीक है तब क्वेश्चन जो है इजी से सॉल्व हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयोडाइड जो है डिसोसिएट्स हो रहा है और आयोडीन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कर रहा है जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में लिखा है इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड चेंजेस एट ए रेड ऑफ माइनस मोलर पर सेकेंड वट इज द रेड ऑफ अपियरेंस ऑफ आई तो यहां पे अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन में चेंज जो है इस रेट के हिसाब से माइनस जीरो पॉइंट फोर फाइव मोलर पर सेकंड के हिसाब से चेंज आ रहा है तो आई टू की रिएक्शन में आयोडीन की रेट ऑफ अपियरेंस क्या होगी ठीक है तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो तो देखो रेट सबसे पहले तो इस रिएक्शन के लिए रेट लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए रेट जो है वो हो जाएंगे नेगेटिव वन ओवर टू ठीक है चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ओर क्या लिखेंगे डी और ये बराबर है बेटा ये बराबर है चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एच टू व डी और ये बराबर है चेंज इन कंसनट्रेशन ओवर आई टू ठीक है अपियरेंस ऑफ आई टू भी हम कहते हैं ओवर डी तो देखो यहाँ पे रेट दिया है एच का एच का रेट कितना है ये क्वांटिटी आपको दिया है ये वाला क्वांटिटी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो क्वांटिटी जो है ठीक है रेट ऑफ ठीक है रेट ऑफ अपेरेंस ठीक तो यहाँ पे एच आई ओवर क्या लिखेंगे डेल्टा टी ये क्वांटिटी आपको दिया है यहाँ पे वन बाई टू ठीक तो ये कितना दिया है देखो इफ द कंसनट्रेशन ऑफ एच आई चेंजेज एट ऑफ ठीक है रेड ऑफ माइनस जीरो पॉइंट फोर फाइव मोलर पर सेकेंड के हिसाब से चेंजेस हो रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ अपरेंस ऑफ आई तो यहाँ पे इधर देखो ये क्वांटिटी ठीक है यहाँ पे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर है मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई टू डी एच आई ठीक है ओवर क्या है डी टी और ये बराबर है भाई हमारा डी ठीक है आई टू ऊर क्या लिखेंगे ओवर लिखेंगे डी टी अब हमको फाइंड आउट क्या करने हैं रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ आई टू तो ये फाइंड आउट करने हैं ठीक है तो रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ आई टू देखो रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ आई टू मतलब डेल्ट डी ठीक है आई टू DT, ये हो गया रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ आई टू इक्वल टू हो जाएंगे माइनस वन बाई टू तो ये वाला रेट तो आपको दिया है ना कितना दिया है ये दिया है माइनस जीरो पॉइंट ठीक है माइनस जीरो पॉइंट फोर्टी फाइव ठीक है मीटर पर सेकंड के हिसाब से तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ठीक है वन ओअर टू इन टू जीरो पॉइंट फाइव तो जीरो पॉइंट फोर फाइव ठीक तो टू से डिवाइड कर दो तो ये रहेंगे आपको जीरो पॉइंट टू टू फाइव ठीक है जीरो पॉइंट टू टू फाइव आएंगे इसका मोलर पर सेकंड दिस इज द रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ डेल्टा आई टू तो ये जीरो पॉइंट देखो जीरो पॉइंट टू टू फाइव इसको अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं जीरो पॉइंट टू थ्री मोलर पर सेकेंड के बराबर तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में यही दिया है ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसके लिए करेक्ट सॉल्यूशंस है इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्टीन को बिल्कुल यानी कि आप खुद से कर सकते हैं वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर थर्टीन को क्या करने हैं आपको ट्राई करने हैं ठीक है तो मैं इसको इरेज करता हूं क्वेश्चन नंबर थर्टीन ट्राई करो बेटा इफ द रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ एमोनिया एमोनिया की रेट ऑफ फार्मेशन दिया है देखो मोलर पर सेकंड तो रेट ऑफ डिस है, बहुत सिंपल है वीडियो को पॉज करो और खुद से कर लो तो ठीक है चलिए देखते हैं ठीक है तो इस रिएक्शन के लिए रेड लिखना है पहले तो हमको रेड लिखना है जैसे देखो एन टू दिया है थ्री टाइम्स एच टू दिया है और यहाँ पे टू टाइम्स क्या है एमोनिया है एन एच थ्री है इसके लिए रेट हो जाएंगे बेटा रेट तो देखो रेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया ऑफ एमोनिया और तो D D रेड ऑफ ये बराबर हो जाएंगे अपियरेंस ठीक है तो यहाँ पे वन ओवर टू डी एन एच थ्री एमोनिया और क्या लिखेंगे डी टी तो आपको क्या फाइंड आउट करना है रेड ऑफ डिस ऑफ एन टू

पर सेकेंड ठीक है तो यहाँ पे आ, को डिवाइड कर दो बेटा टू से तो आएगा ठीक है तो ठीक है और यहाँ पे फाइव और लिख सकते हैं आप जीरो लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट ठीक है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर वन में जीरो पॉइंट वन थ्री मोलर पर हाँ पे दिया है ठीक है तो ये करेक्ट सोल्यूशन है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो फॉर ए रिएक्शन एक रिएक्शन है ठीक है एक रिएक्शन है जिसमें टू ए प्लस बी जो है टू सी और डी प्लस टू ई यहाँ पे दे रहा है इसके लिए रेड लाइ पे लिखा है रेड लाइस इस रिएक्शन के लिए और रेड क्या लिखा है देखो रेड इज इक्वल टू रेड इज इक्वल टू विस्टेंट इन टू ए का स्क्वायर और बी का वन ठीक है पावर वन और सी का में पावर वन है ये रेड लॉ के हिसाब से रेड एक्सप्रेशन लिखा है तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इज में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है तो पहला स्टेटमेंट ये दिया है कि रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन ए ठीक है रिएक्शन जो है ए के टारम में सेकंड ऑर्डर है तो देखो ए के टारम में रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो ये बिल्कुल सही है ठीक है अब दूसरा द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन टारम ऑफ बी तो बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर भी है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी सही हुआ द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन सी रिएक्शन जो है सी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है क्या नहीं है यहाँ पे क्या है फर्स्ट ऑर्डर है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन सी जो है ये फॉल्स है ठीक है ये फॉल्स है तो ये विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है करेक्ट है ठीक तो है और रिएक्शन इज फोर्थ ऑर्डर ओवरऑल ओवरऑल तो यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर है क्योंकि ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं इन सब का सम निकालते हैं तो यहाँ पे टू प्लस वन प्लस वन हो जाएंगे तो कितना फोर तो ये भी सही है ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को देखो एक रिएक्शन दिया है यहाँ पे हाइपोथेटिकल रिएक्शन और इसके लिए रेड भी लिखा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है तो ये खुद से सोचो वीडियो को पॉज करके खुद से देखो तो देखो रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है क्या तो यहाँ पे रेट सिर्फ क्या लिखा है रेट लॉ के हिसाब से जो रेट जो है वो है बी टू द पावर टू और सी टू द पावर वन है अब यहाँ पे ए तो बिल्कुल ही नहीं है तो इसका मतलब रेड ऑफ रिएक्शन इस रिएक्टेंट पर ए पर जो है डिपेंड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टेट स्टेटमेन ए यहाँ पे लिखा है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ ना तो ऑप्शन नंबर पहला है जो है वो करेक्ट सोल्यूशन है बाकी रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन भी ये देख लो ऑर्डर है यहाँ पर ठीक है ये सही है सी में क्या लिखा है देखो द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन सी तो सी में फर्स्ट ऑर्डर भी है ओवरऑल रिएक्शन जो है थर्ड है क्योंकि यहाँ पर टू प्लस वन कितने हो जाएंगे टू प्लस वन इज अकॉर्ड थ्री, ठीक है तो ये तीनों सही है ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है फ़ॉल्स स्टेटमेंट है ठीक तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को देखो एक रेट ला के हिसाब से यहाँ पे रेट लिखा है देखो रेट के कंसेंट्रेशन एक्टिव मास और यहाँ पे वन ओवर टू लिखा है और बी का पावर वन है पार्चल ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए एस ए के रेस्पेक्ट में पार्चल ऑर्डर क्या होगी तो यहाँ पे पार्चल ऑर्डर ए के रेस्पेक्ट में कितना है तो यहाँ पे है वन ओवर टू ठीक है देखो यहाँ पे क्या लिखा है जो रेड लॉ के हिसाब से रेड जो है वो विलासिटी कॉन्स्टेंट इंटू ए टू द पावर वन बाई टू लिखा है बी टू द पावर वन लिखा है ठीक है तो यहाँ पे पार्सल ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एस वन बाई टू हो जाएंगे ना क्योंकि यहाँ पे वन बाई टू है पार्शल ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी बी के रेस्पेक्ट में पार्सअल ऑर्डर क्या आएंगे तो यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में जो पार्शल ऑर्डर जो है कितना है वन है तो यहाँ पे वन लिखो और द टोटल ऑर्डर इज टोटल ऑर्डर क्या हो जाएंगे टोटल ऑर्डर जो है देखो टोटल ऑर्डर इक्वल टू वन ओअर टू प्लस क्या हो जाएंगे वन इक्वल टू तो यहाँ पे हो जाएंगे थ्री ओअर टू ठीक है तो यहां पर आएंगे बेटा थ्री ओवर टू तो देखो ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्ट यही लिखा है वन ओवर टू लिखा है वन लिखा है और थ्री ओवर टू है यही हमको आया वन ओवर टू वन आया और थ्री बाई टू आया ठीक तो अच्छा, है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट सोल्यूशन अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉन्ड डबल वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टन इज क्वॉड्रॉप ठीक है द ऑर्डर ऑफ़ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट इज तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है कंसनट्रेशन को देखो द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ फाउंड टू डबल जो रेट जो है रेट के क्या हो गया है रेट ट्वाइस आइस मीन्स रेट बन गया है डबल कब डबल बन रहा है जब आप रिएक्टन की कंसंट्रेशन को क्वाड्रप्लिट करते हैं क्वाड्रप्लिट का मतलब होता है फोर टाइम्स करते हैं तो देखो रेट कब यानी कि से फॉर एग्जांपल क्वाड्रप्लेट हो जाएंगे जब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन यहाँ पे रिएक्टन लिखेंगे आप रिएक्टन की कंसंट्रेशन जो है फोर टाइम्स से फॉर एग्जाम्पल ठीक है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस रिएक्ट इज अब इसको डबल करना है ठीक है इसको क्या करना है डबल करना है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉर्न टू डबल द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेन इज क्वाड्रप्लेट ठीक है तो यहाँ पर आएंगे आ, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ठीक है तो यहाँ पे वन हाफ कर दो तो, ठीक है तो रेट क्या हो जाएंगे अगर आप कंसंट्रेशन को फोर टाइम्स करते हैं रेट बन रहा है डबल तो रेट कब डबल होंगे जब ऑर्डर वन बाई टू हो जाएंगे देखो अगर आप ऑर्डर वन करेंगे ठीक है रेट इज इक्वल टू ऑर्डर अगर आप वन करेंगे तो ये फोर टाइम्स हो जाएंगे रेट अगर आप यहाँ पे टू कर देंगे तो ये तो और भी बढ़ जाएंगे ठीक है सिक्सटीन हो जाएंगे तो अगर आप यहाँ पे हाफ ऑर्डर अगर फ्रैक्शनल हाफ ऑर्डर है तो उस समय यहाँ पे से फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल जिसके रूट ऑफ द फोर कितना होता है टू तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आएंगे रेट कितना हो जाएंगे सॉरी डबल तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आएंगे अगर आप कंसंट्रेशन को फोर टाइम्स करते हैं रेट डबल होता है तो ऑर्डर कितना आता है वन हाफ़ आता है तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं कुछ आइडिया लगाना है अपने तरफ से भी ठीक है जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन जो है फार्मूले से सॉल्व करेंगे खुद से भी यानी कि सोच के क्वेश्चन को जो है आइडिया के जरिए भी आपको सॉल्व करने हैं ठीक है तो यहाँ पे एक रिएक्शन है ठीक है इस रिएक्शन को खुद से सॉल्व करो रिएक्शन यहाँ पे लिखा है द रिएक्शन ए प्लस टू बी सी इस फर्स्ट ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है, है इन टर्म्स ऑफ बी और ए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी खुद से सोचो वीडियो को पास करके कौन सा ऑप्शन सही है उसको टिक मारो तो चलिए देखते हैं ठीक है तो यहाँ पे रिएक्शन इज ए प्लस टू बी ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है देखो इस फर्स्ट ऑर्डर इन बी बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है ए के रेस्पेक्ट में भी क्या है फर्स्ट ऑर्डर तो रेड लॉ के हिसाब से रेड लिखेंगे के इन टू ठीक है ए का पावर वन फर्स्ट ऑर्डर का मतलब और बी का पावर भी क्या है वन तो ओवरऑल ऑर्डर जो है इन दोनों का क्या होता है सम होता है तो यहाँ पे ऑर्डर जो है ओवरऑल ऑर्डर जो है इक्वल टू तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आता है सेकंड ऑर्डर ठीक है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे ठीक है यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ए से आपको बी मिल रहा है यहाँ पर रेड कांस्टेंट भी आपको दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन देखो दिया है जीरो पॉइंट फाइव मोलर है तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक ठीक है कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन जीरो पॉइंट टू जीरो जीरो मोलर होने में कितना टाइम लगेगा तो आपको यानी कि से फॉर एग्जाम्पल टाइम फाइंड आउट करने हैं तो रिएक्शन कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद करो बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आप लोगों को दिया था ठीक है फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है कंसंट्रेशन और टाइम का जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन था ठीक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो मैंने आप लोगों को दिया था जैसे आपको पता है ठीक एलेन ऑफ ठीक है एल एन ऑफ सी नॉट ओवर क्या लिखते हैं सी टी इक्वल टू क्या होता है के टी और यहाँ पे देखो अगर आप इसको लिखते हैं ठीक है दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये इक्वेशन तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है ठीक है बहुत सारे इक्वेशन दिया, दिया था मैंने आप जो भी इक्वेशन यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मींस टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसको अगर आप लिखेंगे कॉमन लॉग में नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर दो तो यहाँ पे ने में कन्वर्ट करेंगे तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री ऑफ क्या हो जाएंगे बेस टेन आता है सी नोट और क्या आता है सी टी इक्वल टू क्या हो जाएंगे के टी तो बिल्कुल सिंपल है क्या है टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री है लॉक यहाँ पे आपको बेस कितना है टेन और यहाँ पे ये सी नोट क्या है इनिशियल कंसनट्रेशन तो सी नोट का वैल्यू दिया है ना यहाँ पर इनिशियल कंसनट्रेशन कितना है ख़ुद से देखो क्वेश्चन में इनिशियल कंसनट्रेशन बेटा जीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो मोलर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना जीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो ज़ीरो मोलर इनिशियल कंसन्ट्रेशन है और सीटी पर कंसनट्रेशन कितना हो रहा है जीरो पॉइंट टू ज़ीरो मोलर आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं देखो यहाँ पे जीरो पॉइंट टू जीरो मोलर टू जीरो जीरो मोलर सॉरी तो यहाँ पे सिटी इक्वल टू जीरो पॉइंट टू जीरो ज़ीरो मोलर आप लिखो तो यहाँ पे लॉग क्या आएंगे जीरो पॉइंट फाइव जीरो जीरो आएंगे जीरो पॉइंट टू जीरो जीरो रेट कॉन्स्टेंट दिया है रेट कॉन्स्टेंट यहाँ पे दिया है देखो रेट कॉन्स्टेंट यहाँ पे कितना दिया है एट एट पर सेकेंड दिया है तो रेट कॉन्स्टेंट लिखो यहाँ पे एट ठीक है इन टू आएंगे टाइम ये टाइम आपको फाइंड आउट करने हैं तो इसको सॉल्व करो पहले अगर आप इसको सॉल्व करते हैं देखो सॉल्व करेंगे तो टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री आएंगे ठीक है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन टू हो जाएंगे लॉक ऑफ अब यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट फाइव जीरो को ठीक है अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं क्या करेंगे डिवा, डिवाइड कर दो जीरो पॉइंट फाइव जीरो को जीरो पॉइंट टू जीरो जीरो से डिवाइड कर दो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे ठीक है तो जीरो पॉइंट फाइव को जीरो पॉइंट टू से क्या करने हैं डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएंगे आपको ये मिल जाएगा ठीक है दिस इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री टू टू आएंगे आपको तो यहाँ पे लॉक ऑफ जीरो पॉइंट थ्री टू टू ठीक है जीरो पॉइंट थ्री टू टू इक्वल टू क्या है एट इंटू टी ठीक अब यहाँ पे देखो लॉक ऑफ जीरो पॉइंट थ्री टू टू का वैल्यू जो है वो तो पता होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे लॉग ऑफ़ ज़ीरो पॉइंट थ्री टू टू का वैल्यू जो होता है वो है ज़ीरो पॉइंट सिक्स ज़ीरो फाइव फाइव जीरो पॉइंट सिक्स ज़ीरो फाइव फाइव आ रहा है और यहाँ पे एट इन टू क्या आता है टाइम तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इन दोनों को तो आपको आएगा वन पॉइंट थ्री फोर ठीक है वन पॉइंट थ्री फोर आएँगे और ये एट्स जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू क्या आएंगे टाइम तो यहाँ से आपको आएगा टाइम इसको डिवाइड कर दो तो ये मिलेगा आपको टाइम इक्वल टू टाइम इक्वल टू जीरो टू फोर फाइव आएंगे बेटा ठीक है जीरो पॉइंट टू फोर फाइव तो यहाँ पर इधर इधर देखो ठीक है जीरो पॉइंट टू फोर फाइव आ रहा है कैलकुलेशन अगर आप करते हैं थोड़ा यानी कि प्लस माइनस वन जो है ऊंच नीच होता है तो देखो यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं है ए वाला क्योंकि ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है आंसर से मैच नहीं कर रहा है ये भी नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है जीरो पॉइंट टू फोर फोर है हमारे कितना आया जीरो पॉइंट टू फोर फाइव आया है प्लस माइनस वन का डिफरेंस है तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है करेक्ट सोलूशन है तो इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको जीरो ऑर्डर और, और, और फर्स्ट ऑर्डर में जितने भी इक्वेशन दिए थे मैंने जो टाइम और कंसंट्रेशन को रिलेट करता है उन सारे इक्वेशन को याद रखना है समझ आई बात तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन देखो ठीक है क्वेश्चन यहाँ पे सॉरी ये नहीं ये वाला है ठीक है ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है करेक्ट सोलूशन है तो यहाँ पर अब इधर देखो ये इसका तो क्वेश्चन हो गया थर्टी थ्री का थर्टी फोर सेम क्वेश्चन दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है लेकिन इस बार रेट अलग दिया है बेटा देखो रेट आपको फाइव पॉइंट सिक्स सेवन आपको दिया है ठीक है फाइव पॉइंट सिक्स सेवन आपको दिया है तो इससे आपको क्या करना है जीरो पॉइंट वन टू फोर मोलर कंसनट्रेशन होने में कितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है ये खुद से सॉल्व कर लो ठीक है खुद से आपको क्या करना है, है। सॉल्व कर है? है? करने हैं तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन जो है ठीक है यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ देखो हमने यहाँ पर ठीक है जीरो पॉइंट देखो ये यह देखो यहाँ पे रेट जो है हमारा कितना है रेट एट है यहाँ पे रेट कितना है एट एट तो यहाँ पर देखो ये इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा ठीक है इसको सॉल्व करो ठीक तो देखो इसको मैं दोबारा करता हूँ यहाँ पर ठीक है दोबारा करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पर ठीक है मिस्टेक हुआ इसको हम दोबारा करते हैं देखो हम यहाँ पर रेट हमारा एट है ठीक है ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं थर्टी थ्री वाला तो बिल्कुल सेम है बाकी थोड़ा सा यानी कि से फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है तो देखो इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दो तो फिर से टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉक ऑफ क्या आता है सी नॉट उर क्या आता है सी टी ठीक है और यहाँ पे के इन टू टी आपको के का वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दिया है एट uh, से फॉर एग्जांपल पर सेकंड है और सी नॉट का वैल्यू दिया है ठीक है तो यहाँ पे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आएंगे लॉक ऑफ क्या आता है यहाँ सी नॉट की जगह आपको ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो ज़ीरो है मोलर और फाइनल कंसनट्रेशन जीरो पॉइंट कितना आता है जो टू ज़ीरो जीरो यही क्या था हमने ठीक है इन दोनों को डिवाइड करो ठीक है इन दोनों को क्या करना है डिवाइड तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन टू ठीक है लॉक ऑफ अब इन दोनों को डिवाइड करो तो यहाँ पे लॉक ऑफ आपको मिलेगा टू पॉइंट फाइव ठीक है टू पॉइंट फाइव तो ये गलत किया था हमने ठीक है यहाँ पे लॉक ऑफ टू पॉइंट फाइव आएंगे तो देखो यहाँ पे इंटू एट इंटू सॉरी क्या है एट इंटू टी है ठीक है तो यहाँ पे इक्वल टू एट इंटू क्या लिखेंगे टी तो देखो log ऑफ टू पॉइंट फाइव का वैल्यू क्या होता है वो होता है जीरो पॉइंट ज़ीरो पॉइंट थ्री नाइन सेवन नाइन होता है ठीक है log टू पॉइंट फाइव का वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई कर दो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से और यहाँ पर आएंगे एट इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ठीक है अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर ज़ीरो पॉइंट ठीक है जीरो पॉइंट नाइन वन सिक्स फोर ठीक है अब डिवाइड करना है कितने से एट से ठीक है एट से इसको डिवाइड कर दो इक्वल टू क्या आएंगे टाइम अगर आप यहाँ पे इसको एट से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपको ज़ीरो पॉइंट वन वन फोर यानी कि सेकंड आएंगे ठीक है टाइम तो यहाँ पर देखो जीरो पॉइंट वन वन कितना है फाइव है ठीक है ऊपर वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पे जीरो पॉइंट वन वन फाइव सेकेंड है तो यहाँ पे हमारे कितना है जीरो पॉइंट वन वन फोर तो प्लस माइनस वन का डिफरेंस है तो यहाँ पे ऑप्शन यह नंबर ए जो है क्या है करेक्ट सोल्यूशन है अब यहाँ पे अगर आप इसी को ठीक है रेड कांस्टेंट जो है इसी इक्वेशन में रेड कांस्टेंट यहाँ पे बस रेड कांस्टेंट को चेंज करना है 5.67 पर सेकंड अगर आप डाल सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर मिलेंगे 0.244 सेकंड ठीक है तो ये क्वेश्चन जो है खुद से ट्राई करने हैं ठीक तो ये रहा ठीक है तो ये रहा कुछ यानी कि से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे तो और भी क्वेश्चंस जो है मैं बिल्कुल से फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस बैंक हैं ठीक है अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है तो वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को व्हाट्सअप पर या गूगल क्लासरूम में सेंड कर दूंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो इसके बाद मैं आप लोगों को की भेज दूंगा ठीक है अगर कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेसन्स